चलो देखते हैं किस तरीके से व्यूअर का पोजीशन और उसके अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट्स वगैरह कैसे हैं, वन पॉइंट कैसे होता है। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट आई लेवल, यहाँ पे एक बच्चे को हमने ड्रॉ किया, ये किया है, खड़ा किया है, उसको अकॉर्डिंग उसके आई लेवल के अकॉर्डिंग विजुअल देखते हैं। आई लेवल वैनिशिंग पॉइंट, सबसे पहले दो आंखों के बीच में आपका फर्स्ट वैनिशिंग पॉइंट, राइट। एक ही अगर वैनिशिंग पॉइंट लेना है आपको, सो आपको दो आंखों के बीच में ही होना चाहिए ताकि आपका वो पोजीशन क्लियर होता है, राइट। वैनिशिंग पॉइंट इज यूजुअली अपोजिट द व्यूअर्स आई एंड यूजुअली ऑन द होराइजन लाइन, ठीक है। दो आंखों के बीच में आपके सामने होराइजन पे आई लेवल पे वैनिशिंग पॉइंट आप क्रिएट करो, ठीक है। उसके बाद आपको एक फ्लैट ट्रू शेप्स आपको ड्रॉ करना है, जिसकी हम डिसाइड करेंगे कि लेंथ जो है हॉरिजॉन्टल है और हाइट जो है परपेंडिकुलर है, राइट। हम इस ट्रू शेप को वैनिश करने की कोशिश करेंगे विद विड्थ, ठीक है। नाउ विड्थ की जो पार्ट लाइन है तो हम डायगोनली वैनिशिंग पॉइंट में लेके गए, राइट। डिसाइड किया विड्थ के पार्ट पे कितना उसका पार्ट होना चाहिए, उसको लेंथ और हाइट के लाइन के साथ कनेक्ट किया, सो आपका एक बॉक्स क्यूबॉइड या क्यूब आपका रेडी हो गया, जिसको हम कह सकते हैं कि टूवर्ड्स टू वैनिशिंग पॉइंट ये नैरो डायगोनल हो रहा है, ठीक है। ये आपको जो फ्रंट पार्ट इसका देख रहा है दिख रहा है, विच इज ट्रू शेप, राइट। आगे बढ़ते हैं, ये कुछ अगेन एग्जांपल आई लेवल, ठीक है। इमीडिएटली मैंने एक वैनिशिंग पॉइंट ले लिया, ठीक है। आई लेवल के ऊपर वाला पार्ट अबव आई लेवल, नीचे वाला पार्ट बिलो आई लेवल। अभी मैंने एट आई लेवल एक स्क्वेयर या ट्रू शेप ड्रॉ किया, ठीक है। उसका मुझे टॉप बॉटम नहीं दिखेगा, बट मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे दो बॉक्सेस ड्रॉ किए, तो आप देख पा रहे हो उसको, एक एट आई लेवल पे आ गया, एक अबव आई लेवल पे आ गया। सो एट आई लेवल पे है, उसका मुझे टॉप और बॉटम नहीं दिख रहा है, बट साइड दिख रहा है बिकॉज ऑफ उसका पोजिशन। बट उसके ऊपर ये ऑब्जेक्ट जब चला गया तब उसका बॉटम पार्ट भी दिखने लगता है। अगेन आप बाकी पार्ट देखो, जैसे अकॉर्डिंग पोजिशन, ठीक है, बिलो आई लेवल अबव आई लेवल, उसके टॉप पार्ट दिखने लगते हैं, बॉटम पार्ट दिखने लगते हैं, ठीक है। एट आई लेवल पे है सो टॉप बॉटम नहीं दिखता है, बट पोजीशन अगर उसकी शिफ्ट हो गई, रेप लाइट चला गया वो, तो उसका कोई भी एक साइड आपको दिखता है, राइट। ये एक वीडियो है, हम देखते हैं कि किस तरीके से इसका एग्जीक्यूशन होना चाहिए। वन पॉइंट पर्सपेक्टिव ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले आपको एक होराइजन लाइन ड्रॉ करनी है, राइट, ठीक है। ये एक डिसिप्लिन है आपका, ठीक है। सबसे पहले आपका आई लेवल या होराइजन फिक्स होना चाहिए, कोई भी एग्जीक्यूशन हो आपको ये सबसे पहले ड्रॉ करना। आप अगर डिसाइड करते हो कि वन पॉइंट पर्सपेक्टिव में आपको काम करना है, सो इमीडिएटली एक पॉइंट, ठीक है, होराइजन से आप ले लो, ठीक है। थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कर लो, आप बिगिनर हो, ठीक, आप सीख रहे हो तो डार्क कीजिए, क्योंकि इसको आपको एंड तक, ठीक है, इस पे ध्यान रखना है। नाम दे दो वैनिशिंग पॉइंट, जैसे हम कहते हैं कि हर ऑब्जेक्ट के तीन डायमेंशन होते हैं, लेंथ वेट एंड हाइट। सो इस एक वैनिशिंग पॉइंट में, वन वैनिशिंग पॉइंट में लेंथ या फिर वेट हमारी वैनिश होने वाली है, राइट। बाकी डायमेंशन जो है वो हमारे या तो हॉरिजॉन्टल रहेंगे या फिर परपेंडिकुलर 90 डिग्री रहेंगे, राइट। यहाँ पे अभी देखते हैं एक ट्रू शेप ड्रॉ करते हैं। हाइट हमने परपेंडिकुलर वर्टिकल ड्रॉ की और ये डायमेंशंस, ये लेंथ या विड्थ में से कोई भी एक चीज, मैं विड्थ में कंसिडर कर रहा हूँ, राइट। अभी इसको ट्रू शेप में कन्वर्ट कर लो, हाइट विड्थ। तीसरा डायमेंशन हमें दिखाना है, जो लेंथ जो हमें वैनिशिंग पॉइंट में वैनिश करनी है। मैं इसे डॉटेड लाइन के साथ वैनिशिंग पॉइंट में कनेक्ट कर रहा हूँ, ओके। इस एक पॉइंट पे हमें डिसाइड करना है कि लेंथ कितनी है। मैंने फिक्स किया लेंथ को, वहां पे पीछे की तरफ
विड्थ मैंने ड्रॉ की जो लेंथ के दूसरे लेंथ के साथ कनेक्ट हो गई, मुझे लेंथ मिली, उसे भी मैंने कंप्लीट किया। पर यहाँ पे आपको राइट हैंड साइड पे हाइट कंप्लीट करनी, ऑटोमेटिकली आपको सभी लाइंस आपको मिल जाती है। फाइनल किया आपने और कंप्लीट किया, आपका ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ। अब ये ऑब्जेक्ट आपका बिलो आई लेवल हो गया, राइट? मैंने लिख भी दिया इसको बिलो आई लेवल, बिकॉज ऑफ बिलो आई लेवल ऑब्जेक्ट का टॉप पार्ट दिखता है, ठीक है? सी दिस, राइट? नाउ अबव आई लेवल देखते हैं। हाइट मैंने ड्रॉ की 90 डिग्री या परपेंडिकुलर, विड्थ मैंने डिसाइड की हॉरिजॉन्टली होगी, अगेन हाइट विड्थ ये ट्रू शेप हो गया। अभी थर्ड डायमेंशन मेरा वैनिशिंग पॉइंट में लेंथ जो है वैनिश करूंगा मैं, सी दिस डॉटेड लाइन के साथ मैंने वैनिश की, ठीक है? एक पॉइंट पे मैंने डिसाइड किया, एक लाइन पे लेंथ कितनी है, हाइट वहां पे कनेक्ट की, वापस लेंथ विड्थ लेंथ कनेक्ट की, मेरा एक अबव आई लेवल मेरा बॉक्स हो गया ये, बिकॉज ऑफ अबव आई लेवल, ठीक है? मुझे उसका बॉटम पार्ट दिखने लगता है, राइट? जो मैंने कलर किया है वो मेरा बॉटम पार्ट है, ठीक है? नाउ थर्ड लेवल देखते हैं, एट आई लेवल या ऑन द आई लेवल, राइट? अब ये हाइट विड्थ हाइट विड्थ ट्रू शेप हो गया आपका। नाउ कनेक्ट करो, बिकॉज ऑफ आई लेवल यहाँ पे मुझे टॉप नहीं दिखेगा ना ही मुझे बॉटम दिखेगा, राइट? अब लेंथ को अभी कनेक्ट करो, ओके? होराइजन पे वैनिशिंग पॉइंट पे मैंने कनेक्ट किया, अंदर की लाइंस जाएगी बट मुझे दिख नहीं रहा है, ट्रांसपेरेंट बॉक्स होगा तो मुझे ओपेक बॉक्स में कंसीडर कर रहा हूँ। तो ये मेरी लेंथ हाइट अगेन लेंथ, राइट? ये से हम कहेंगे एट आई लेवल, राइट? तो बिकॉज ऑफ एट आई लेवल मुझे टॉप भी नहीं दिख रहा है, बॉटम भी नहीं दिख रहा है, जस्ट साइड दिखेगा। सो ये आपको प्रिकॉशंस लेके वन पॉइंट पर्सपेक्टिव का एग्जीक्यूशन आपको करना।